नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बालाघाट, आपको बता दें कि विगत दिनों भाजपा अध्यक्ष रमेश वटेरे और गत दिनों विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अपमानजनक रवैये से नाराज बालाघाट के पत्रकारों ने 5 सितंबर को शांतिपूर्ण तरीके से हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया। यही नहीं बल्कि पत्रकारों ने विरोध को सरकार तक पहुंचाने के लिए 5 सितंबर को बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यालय से लेकर रामपायली तक के आयोजनों का बहिष्कार किया और कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। बता दें कि नगर के ऐतिहासिक जयस्तंभ चौक पर सीएम के निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व ही पत्रकार साथी जयस्तंभ चौक में जुटने लगे और एक के बाद एक पत्रकार साथियों के साथ वहां पहुंचकर हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध में खड़े होने से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। पत्रकारों के सीएम कार्यक्रम का बहिष्कार कर काली पट्टी बांधकर खड़े रहने की खबर ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए। तत्कालीन एसडीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीएसपी और थाना प्रभारी पत्रकारों से चर्चा करने पहुंचे, लेकिन पत्रकार साथियों का निर्णय अडिग था। पत्रकारों के नहीं मानने से अधिकारी भी साइडलाइन हो गए। हालांकि इस दौरान उनकी नजरें विरोध कर रहे पत्रकारों की गतिविधियों पर रही। सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात रहे और वह पल पल की खबर आला अधिकारियों को देते रहे। काली पट्टी बांधे पत्रकारों ने सीएम के काफिले के सामने सीएम का ध्यान आकर्षण भी करवाया। तो इन बालाघाट से लेकर वारासिवनी और रामपायली तक के कार्यक्रम में नेताओं के चेहरे पर दिखाई दिया, जिनके चेहरे की रौनक उनके कार्यक्रम की खुशी से ज्यादा विरोध से उतरे हुए दिखाई दिए। फिलहाल पत्रकार साथियों ने आज 6 सितंबर को बैठक बुलाई है और जिसके निर्णय के बाद पत्रकार साथी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो कि अभी पिछले दिनों हमारा पत्रकार साथी है राहुल टेमरे, चित्तू नेरकर, ऐसे तमाम पत्रकारों के साथ यहाँ के विधायक गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा बेहद अभद्र व्यवहार किया गया। उनका कैमरा मोबाइल छुड़ाया गया और वीडियो डिलीट कराया गया। तो ये मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। और आज जो है मुख्यमंत्री का आगमन है बालाघाट मुख्यालय में और हम तमाम पत्रकार एक साथ एकजुट है ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और किसी ने भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कवरेज नहीं किया है, पूर्णतः हमने बहिष्कार कर दिया है और आगामी समय तक के हम अपने इरादों पे अटल है। कल 6 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक है पत्रकारों को के हितों को लेकर, पत्रकारों के मान सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर। उस बैठक में बहुत कुछ तय करने के बाद हम शासन और प्रशासन से बात करेंगे कि अगला कदम हम सब पत्रकार साथियों का क्या होगा और हम अपने अधिकार मान सम्मान के लिए भी उनके सामने बात रखेंगे। और जो घटना अभी पिछले दिनों से हो रही है, चाहे वो रमेश वटेरे जिलाध्यक्ष के द्वारा हो, चाहे वो गौरीशंकर बिसेन जी यहाँ के जो विधायक है उनके द्वारा हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो बार बार, अन्यथा पत्रकार भारी आक्रोश में है और ये आक्रोश कोई भी रूप ले सकता है। इसके लिए ये सभी माननीय जिम्मेदार होंगे। पत्रकारों का बहुत महत्व है, उनका भी मान सम्मान है जैसे बाकी के स्तंभ वालों का है। लेकिन कुछ मौके ऐसे आए हैं बालाघाट में जब पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनका अपमान किया गया, उन्हें लताड़ा गया। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज जो है पत्रकार सारे जितने बालाघाट जिले के हैं एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। ये संदेश है शासन के लिए, प्रशासन के लिए कि वे बालाघाट के पत्रकारों को बना लें। ये बात गांठ बांधने कि आगे कभी अगर पत्रकार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो पत्रकार फिर एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए वचन। पत्रकार बड़ी विपरीत परिस्थिति में काम करता है, आप भी उन दशा और दिशा में से गुजर चुके हैं, ऐसे में मैं तो ये कहूँगा कि कहने को तो संविधान में हमारा पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, लेकिन मान्यता नहीं है संविधान। जैसे 3 स्तंभों को संविधान में मान्यता है, ऐसे पत्रकारों की मान्यता नहीं है। इसकी वजह से जो पत्रकार जो काम करते हैं मीडिया लाइन में, चाहे अखबार में हो चाहे सोशल मीडिया में हो, उनके वेज का, उनके मासिक खर्च का कहीं कोई पता नहीं है। यानी श्रम तो वो पत्रकार इतना करता है जो फील्ड में काम करते हैं, वो अखबार के और इलेक्ट्रॉनिक चैनल की रीढ़ की हड्डी होते हैं। लेकिन उनको महत्व तो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि एक ग्लैमर टाइप का पत्रकारों को लगता है जो फील्ड में काम करते हैं। जो मिला, जितना मिला मालिक, अखबार के मालिक की तरफ से, चैनल के मालिक की तरफ से, उसी में अपना संतोष रखता है, अपने स्वाभिमान के साथ जीता है। लेकिन स्वाभिमान पे भी अगर ठेस
कोई करने लगे तो फिर सोचने की बात है। बालाहाट में 5 तारीख को मुख्यमंत्री का आगमन था और हम सब पत्रकारों ने पहले से ही तय कर रखा था कि पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी हो रही है, दुर्भावनावश कार्य किया जा रहा है, कवरेज से रोका जा रहा है, उस मुद्दे पे हमने आज शिवराज मुख्यमंत्री का हर कार्यक्रम का बहिष्कार किया था और उसी कार्यक्रम को हमने फॉलो किया और आज मुख्यमंत्री का कोई भी कवरेज हमारे स्थानीय पत्रकार ने नहीं किया, सब सामूहिक पत्रकार एक साथ हैं। बालाघाट से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।